अपने ही किए हुए वादे को मोदी सरकार जब आज पूरा नहीं कर रही है, तब आज किसानों को मजबूर होकर के दिल्ली जाना पड़ रहा है। और आज जब किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं तो पता है किसानों का स्वागत कैसे किया जा रहा है? किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, एंटी नेशनल, क्या क्या नहीं बोला गया न्यूज मीडिया के द्वारा। जब देश के जवान धरना पर बैठते हैं अग्निवीर आने के बाद, तो देखें ही आप किस तरह से ट्रेन चलाया गया। क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि किसानों के क्या क्या मांग है। नमस्कार दोस्तों, ये किसानों का आंदोलन कम और किसान रोको आंदोलन ज्यादा लग रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कुछ करने का, मतलब दिल्ली की ओर जाने का और आंदोलन करने का नारा दिया था। और आज 13 फरवरी है जिस दिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको बता दें, आखिर ये किसान दिल्ली जा क्यों रहे हैं? ये किसान नवम्बर 2020 में एक बार पहले भी दिल्ली जा चुके हैं। क्यों दिल्ली गए थे? क्योंकि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून पास किया था और उसी 3 कृषि कानून के विरोध में नवंबर 2020 में किसानों ने दिल्ली में धरना दिया था और बहुत बड़ा आंदोलन चला। लगभग 1 साल आंदोलन चला और किसी भी न्यूज मीडिया ने इस आंदोलन को कवरेज नहीं किया। कभी कभी कवरेज करते थे, वो भी रात के टाइम जब पूरे देश की जनता सोई हुई हो, तो फिर न्यूज देखेगा कौन। किसी भी न्यूज के प्राइम टाइम में देश के किसानों का न्यूज नहीं चलाया गया। धरना दे रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, धरना दे रहे किसानों पर वायर वाले कटीले तार लगाए गए, धरना दे रहे किसानों पर बहुत ही तेज रफ्तार वाले बोरिंग से पानी छोड़ा जा रहा था कि किसान किसी भी तरह दिल्ली छोड़कर अपने घर के तरफ रवाना हो जाए। लेकिन किसान डटे रहे, किसान अड़े रहे और मोदी सरकार को एक दिन मीडिया के सामने आकर कहना ही पड़ा कि मैं ये 3 कृषि कानून वापस लेता हूं। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और मोदी जी ने कहा, मैं MSP के ऊपर, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर एक विशेष कानून लाऊंगा और उससे सीधा आप लोगों को लाभ पहुंचेगा। और आज 2 साल बीत चुके हैं, 36 से 37 बैठक हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये कानून पास नहीं किया गया और आज तक MSP के ऊपर किसी भी प्रकार का कानून किसानों तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मोदी सरकार अपने ही किए हुए वादे को पूरा नहीं कर रही है, तब किसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, दिल्ली के तरफ कुछ करना और फिर से धरना देना और अपने हकों के मांग को पूरा करवाना। जब मोदी सरकार अपने ही किए हुए वादे को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए किसानों ने दिल्ली जाने का नारा दिया और दिल्ली चलो का नारा दिया। और आज जब किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो पता है किसानों का स्वागत कैसे किया जा रहा है? आप ये वीडियो देखिए, किसानों का स्वागत किले काटे रास्ते में बिछाए जा रहे हैं, सड़कों और उनके किनारों में बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं, सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है। इस तरह से किसानों का स्वागत दिल्ली में किया जा रहा है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये दिल्ली के बॉर्डर का वीडियो है, ये आज का वीडियो है, ये 13 फरवरी का वीडियो है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के इतने सारे गोले दागे जा रहे हैं, जैसे लग रहा है इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, जैसे लग रहा है इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, ये इंडिया और चाइना का युद्ध नहीं है, ये हमारे देश के किसानों की लड़ाई है, हमारे देश के तानाशाह सरकार से। आप सोच रहे हैं कि हम अपने देश की सरकार को तानाशाह क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब 2020 में किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया था, तो इसी तरह से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, किसानों के ऊपर अत्याचार किए गए थे, किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, एंटी नेशनल, क्या क्या नहीं बोला गया न्यूज मीडिया के द्वारा। न्यूज मीडिया ने उन्हें देश का नागरिक ही नहीं समझा, उन्हें क्या क्या नहीं बोला गया। आपको एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों,
तीन कृषि कानून तब वापस लिया गया जब एक साल में 700 किसान मर गए आंदोलन करते करते। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मोदी सरकार के द्वारा इस तरह का तीन कृषि कानून पारित नहीं किया जाता तो क्या किसान आंदोलन में बैठते? क्या वो 700 किसान मारे जाते? क्या किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बोला जाता? कभी नहीं बोला जाता। आपको सोचना चाहिए, जब किसान धरने पर बैठते हैं तो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या बोला जाता है। जब देश के जवान धरना पर बैठते हैं अग्निवीर आने के बाद, तो देखें ही आप किस तरह से ट्रेन जलाया गया, क्यों ट्रेन जलाया गया। कभी आपने सोचा कि जो युवा देश के बॉर्डर पर जाकर के देश की सेवा करना चाहते थे, देश के लिए मर मिटने का सपना देखते थे, आखिर वो युवा देश के अंदर ही हिंसा करने पर क्यों तावले हो गए? क्यों? क्योंकि उनके मांगों को माना नहीं जा रहा था, उनके आवाजों को सुना नहीं जा रहा था। 1.5 लाख बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया अग्निवीर योजना के आने के कारण। बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन अगर मैं आपको बातों को बताने के लिए बैठ गया ना, तो बातें भी खत्म नहीं होगी और मुद्दे भी खत्म नहीं होंगे। जब भी सरकार के खिलाफ लोग धरना पर जाते हैं किसी भी कानून को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, तो ये सरकार उसके साथ तानाशाह व्यवहार ही करती है, उन्हें मार के पीट के भगाने का काम करती है। किसानों ने इस वक्त आंदोलन करना इसलिए चुना होगा क्योंकि अभी इलेक्शन है और इलेक्शन के आड़ में किसान अपना बात मोदी सरकार से मनवाना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये वही मोदी सरकार है जो 2 दिन पहले तक चौधरी शरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर गांव और किसानों के लिए सम्मान की बात कर रहे थे, और आप आज देखिए 13 फरवरी को किस तरह से दिल्ली में किसानों का सम्मान किया जा रहा है। किसानों को रोकने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिस स्तर से किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उस स्तर से 2-4 लोग बैठ करके MSP के ऊपर विचार कर लेते ना, तो किसानों का हल निकल जाता। 2021 में मोदी सरकार ने किसानों के सारे मांगों को स्वीकार किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि किसानों के क्या क्या मांग है। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसे लागू किया जाए, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन की स्कीम लाई जाए, कृषि ऋण माफ किया जाए। जब हम अपने देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को माफ कर सकते हैं, तो अपने देश में किसानों के कर्ज को माफ नहीं कर सकते? जिनके वजह से हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, उनके कर्ज को माफ नहीं कर सकते? ये तो नाइंसाफी होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की जा रही है, यही सारा मांग किसानों के तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है, जिससे कि वहां पर रहने वाले लोगों को भी बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, जिससे कि ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को भी समस्या हो रहा है, UPI से पैसा भेजने में भी समस्या हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे समस्या जो कि आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत दूर दूर तक चक्का जाम लगा हुआ है क्योंकि सरकार ने वहां पर कंटेनर सब रख करके रोड को जाम कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर के राहुल गांधी ने देखिए क्या ट्वीट किया है। दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी सरकार ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को MSP के नाम पर तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा लगभग 60 किसानों ने अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी USP हो वो MSP के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में किले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है, उनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, किसानों के रास्ते में किल कांटे बिछाना अमृतकाल है या न्यायकाल। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको किसान आंदोलन से जुड़ी सारी जानकारी दे दी। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश के हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए हमारे देश के किसान अन्नदाता के साथ किस तरह से नाइंसाफी की जा रही है। उनको वादा तो किया जा रहा है, लेकिन उन वादा को पूरा नहीं किया जा रहा है। जब किसान थक गए, हार गए, अपने वादा को पूरा होते हुए ना देख पाए, तो फिर से वो किसान दिल्ली के तरफ 13 फरवरी को रुख करने लगे। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और स्वतंत्र न्यूज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोहित राज ऑफिशियल, धन्यवाद।